हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अब मैं हर दो दिन के बाद एक वीडियो अपलोड किया करूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं एक टॉपिक देने के बाद कम से कम आपको दो दिन का समय दिया करूंगा। आपको जो भी उस टॉपिक पे मुझसे पूछना है, आप वो दो दिन में मुझसे क्लियर कर लीजिए आपके जो भी पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स के बारे में। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या वाकई में कीवर्ड से सेल इंक्रीज होती है, क्या वाकई में इससे फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि कीवर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है सेलिंग के अंदर। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए बताता हूँ कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ऑनलाइन लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वर्ड्स ही कीवर्ड्स होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम गूगल पे बात करें तो लोग सबसे ज़्यादा जो ओ से सर्च करते हैं कीवर्ड्स, वो हैं ये चार, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अब आ जाते हैं अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे कीवर्ड्स हम किस तरीके से ढूंढेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आप एलईडी लाइट सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो उसके कीवर्ड्स क्या होंगे? उसके कीवर्ड्स होंगे, हम टाइप करेंगे सिर्फ एलईडी। तो एलईडी में सबसे ज़्यादा जो अमेज़ॉन पे सर्च होने वाले कीवर्ड्स है वो है एलईडी लाइट, ठीक है। उसके बाद एलईडी टीवी और एलईडी ट्यूब लाइट। तो एलईडी से शुरू, एलईडी से सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला जो कीवर्ड है वो है एलईडी लाइट। अब अगर आप एलईडी लाइट सेल कर रहे हैं तो एलईडी लाइट टाइप करिए, और उसमें जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, वो है एलईडी लाइट फॉर कार। ये एलईडी लाइट में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला सबसे पहला कीवर्ड है अमेज़ॉन में, ठीक है। उसके अलावा एलईडी लाइट स्ट्रिप, एलईडी लाइट यूएसबी, ये सारे के सारे एलईडी से जुड़े हुए। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के कीवर्ड क्या होने चाहिए, ठीक है। अब इनको ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको ऐड करना बहुत आसान है। ये कीवर्ड्स को आप एक फाइल में कॉपी कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि एक फाइल बना लीजिए, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, और इसमें आप ये कीवर्ड्स कॉपी कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लीजिए। ये ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स एक फाइल में कॉपी करके रख लीजिए। अब देखिए कीवर्ड्स को एंटर कहाँ किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इन कीवर्ड्स को सबसे पहले अगर प्रोडक्ट के टाइटल में यूज करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप इन कीवर्ड्स को प्रोडक्ट के टाइटल में यूज़ करेंगे तो यकीनन इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा इन कीवर्ड्स को कहाँ एंटर किया जाता है, देखिए एडिट में जाएंगे आप, एडिट में जाने के बाद ये रहा ऑप्शन कीवर्ड का। कीवर्ड पे आप टाइप करेंगे तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स इस तरीके से यहाँ पे एंटर किए जाते हैं। इन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे डालिए और सेव एंड फिनिश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट्स में कीवर्ड्स डालिए, और यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा, और जो टॉपिक होगा उसको जल्दी से कोशिश किया करूँगा आपको बताने की, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और थोड़े से समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएँ। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने चैनल में भी कुछ फेर बदल किए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब मैं अमेज़ॉन की वीडियोस अमेज़ॉन के फोल्डर में डालूंगा और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वीडियोस फ्लिपकार्ट के फोल्डर में डालूंगा, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ये सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ अमेज़ॉन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे अमेज़ॉन के फोल्डर को चेक करिए, और अगर आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट के चेक करिए।